था तीस अप्रैल 1964 शुक्रवार, आठवें पेज की आदि में बात चल रही थी। कोई तो पुरुषार्थ करते करते ऐसा उनका पंप फुस हो जाता है कि सारी हवा निकल जाती है, उनको कुछ भी धारणा नहीं होती है। फिर वो थोड़े ही सर्जन बनेंगे, और न कोई को घर गृहस्थ से निकाल पाएगा। तो तुम जानते हो कि बरोबर हम रूहानी सर्जन हैं, और बरोबर हम कोई को भी फार एवर हेल्दी एवर वेल्दी की थोड़ी सी दवाई, उन दवाइयों आदि में तो कुछ है नहीं। सो भी मुख की बात है कि उनको ये महामंत्र हम दे देंगे, गायन भी है तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। कहाँ चंदन घिसे है, कहाँ की बात है? अरे है चित्रकूट के घाट पे। कौन सा कूट? कूट माने, कूट माने पहाड़, चित्र माने विचित्र, विचित्र ऊंचाई का पहाड़। विचित्र ऊंचाई का पहाड़ क्या होता है? भक्ति मार्ग में तो स्थूल बातें उठाई ली हैं, ये तो पुरुषार्थ की ऊंचाई का पहाड़ है। जिसे पुरुषार्थ की ऊंचाई पर पहुंच करके आत्मा मनन चिंतन मंथन का चंदन घिसती है, और उस मनन चिंतन मंथन से प्रसन्न हो करके रघुवीर अर्थात भगवान, भक्ति मार्ग में तो रामकृष्ण को भगवान कह दिया है, यहाँ भगवान कौन है? है भगवान साकार है या निराकार स्टेज वाला है? भगवान तो निराकारी है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। वो भगवान मनन चिंतन के ऊंचाई से प्रसन्न हो करके विश्व की बादशाही का तिलक दे देते हैं। किसको देते हैं? है जो चंदन घिसता है, और जितना घिसता है उतना उनको विश्व की बादशाही का तिलक मिल जाता है। ये स्वराज्य का तिलक है, स्वात्मा को कहा जाता है, आत्मिक राज्य का तिलक है। ये दैहिक राज्य का तिलक नहीं है जहाँ हिंसा होती हो। जो ब्राह्मण तिलक देते हैं तो उनसे पूछो, तिलक का कोई अर्थ भी तो होता होगा ना?
इस समय में ब्राह्मण जो भी शूद्र आते हैं उनको बाप स्वराज का तिलक देते हैं। तो तुम जानते हो कि बरोबर हम उनको राजाई का तिलक देते हैं। तो राजयोग सीख करके राजा भव उनको समझाना है कि बाप से तो राजाई का तिलक मिलेगा ना। राजा बनने का टाइटल मिलेगा। बाप को याद करो तो ऑटोमेटिकली तुमको राजाई के तिलक लग जाएगा। इसमें कोई लगाने की दरकार नहीं है। भक्ति मार्ग में फिर ये दिखलाते हैं तिलक लगाना, फलाना करना, मुकुट लगाना। अभी तिलक तो ये नहीं है ना, ये समझाते हैं कि रखड़ी बंधन है और रखड़ी के बंधन का कोई अर्थ थोड़े ही समझते हैं। बाबा ने समझाया है कि जो भी त्योहार इस भारत में होते हैं वो सब यहाँ कहाँ के संगम की यादगार हैं। अगर ये समझ में ना आए तो फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ, जयंती कहाँ और जन्म कहाँ। कहते भी हैं पास्ट में हुआ, इनके पास कल एक रास्ते में मिला अधर कुमारी का मंदिर, हमको दिखलाओ तो उसने कहा कि अधर कुमारी का जड़ चित्र चाहते हो या चैतन्य चित्र चाहते हो, क्योंकि यहाँ का यहाँ और वहां तो जड़ बैठे हैं और यहाँ चैतन्य बैठे हैं। कौन चैतन्य बैठे हैं? कौन से मंदिर की बात हो रही थी? हैं? अधर कुमारी के मंदिर की बात हो रही थी, अर्ध कुमारी। वहां जड़ है भक्ति मार्ग में और यहाँ ज्ञान मार्ग में कोई चैतन्य देवी है, अर्धकुमारी है। अब अधर कुमारियां तो बहुत होती है, शादी नहीं हुई है तो कुमारी है और शादी हो गई फिर ज्ञान में आई तो अर्ध कुमारी, अधर कुमारी कहा जाता है। तो बताओ जिसका गायन है, गायन तो एक का होगा ना, बाकी तो सब भुजाएं हो गई ना, तो वो अब्बल नंबर अधर कुमारी कौन है जो यहाँ है ब्राह्मणों की दुनिया में है? धीरे से क्यों बोलते, जोर से बोलो, जैसे गांव देहात में बोलते हैं तबाके से है, है? जगदम्बा कुंवारी कन्या का भी मंदिर है, तो कुंवारी कन्या का जो मंदिर है जड़ ही देखना चाहेंगे या चैतन्य भी देखना चाहते हो?
हम दोनों दिखाई सकते हैं। तुमको क्या देखने को चाहिए? चैतन्य देखना है या जड़ देखना है? कितनी समझ की बात है, क्या हुई समझ की बात? किसके मंदिर की बात की ना? अधर कुमारी की बात पूरी हुई, कुमारी कन्या। तो कुमारी कन्या किसे कहा जाए? यहाँ ज्ञान मार्ग में तो ढेर की ढेर कुमारियां ज्ञान में चलती हैं, परंतु गायन तो एक का होगा ना, बाकी तो सब नंबरवार भुजाएं हुई ना। जैसे बाबा कहते हैं एक अर्जुन की बात नहीं है, पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले तो तुम सब हो ना। तो वो अब्बल नंबर कुमारी कौन है? जिसका जड़ मंदिर में जाते हैं भक्त लोग, वो यहां बैठी है, किसे कहेंगे? हैं? है? अच्छा, दिलवाड़ा मंदिर में क्या देखेंगे? वहां आदिदेव बैठा हुआ है, कैसा देव? आदिदेव। देवता बनने वालों में आदि नंबर जिसका है, जिससे बनता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन, दीन माने धर्म। अल्लाह ने अव्वल नंबर का धर्म स्थापन किया, तो क्या मनुष्य के द्वारा स्थापन किया? कोई राक्षस के द्वारा स्थापन किया? या 33 करोड़ देवताओं में से किसी के द्वारा स्थापन किया? जरूर कहेंगे कि आदि सनातन देवता देवी देवता धर्म है, तो जो अव्वल नंबर का आदि देव है उसी के द्वारा स्थापन किया हुआ है। जिसकी मुख्य मूर्ति दिलवाड़ा मंदिर में रखी हुई है। तो पूछा, जड़ देखना चाहते हो या चैतन्य? कितना सहज है, देखो बैठे भी कहां हो। जहां तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, कहां? दिलवाड़ा मंदिर में बैठ करके। परंतु वो समय अभी नहीं आया है। कौन सा समय है? जो दिलवाड़ा मंदिर में बैठ करके तुम सेवा करो और बताओ ये जड़ है और ये चैतन्य में तपस्या में बैठे हैं। वो समय है और न यहाँ कोई ऐसे सर्विस वाले बैठे हैं। कहाँ की बात बताई? कौन से समय की बात बताई? अरे कौन से समय की मुरली है? 64 की मुरली है। 64 में ये समझने वाले बैठे थे कि वहां क्लास में कि अदर कुमारी चैतन्य में कौन है,
कुंवारी कन्या चैतन्य में कौन है और दिलवाड़ा में जो आदिदेव बैठा हुआ है वो चैतन्य में कौन है? इसलिए बोला कि यहाँ अभी कोई ऐसे सर्विस करने वाले बैठे नहीं हैं, क्योंकि अच्छे ऐसे सर्विस वाले तो चले जाते हैं, बाहर में चले जाते हैं, और यहाँ तो कोई रहते ही नहीं है। बाकी पच्छड़ माल यहाँ रह जाते हैं। क्या बोला है? कहाँ की बात बताई? 64 की वाणी है। उस समय बताया कि अच्छे अच्छे जो सर्वसेवुल बच्चे हैं वो वहां ठहरते नहीं, ठहरे ही नहीं। ठहरे क्या? सब चले गए और अभी भी जा रहे हैं। पच्छड़ माल रह जाते हैं, समझा ना? क्या करेंगे? यादगार क्या है? शिव के मंदिर में कौन से पक्षी ठहरते हैं? ज्ञान की कंठी वाले तोते तो थोड़े टाइम के लिए आते हैं और फिर बाहर उड़ जाते हैं। ठहरते कौन है? कबूतर बुद्धि वहां ठहरते हैं। क्या काम करते हैं? खाना पकाना, ये करना, वो करना, बाकी तो किसको भी शौक होता है वो तो बोलता है बाबा हमको भेजो, हम तो जाकर के सर्विस करेंगे। बाकी जो सर्विस नहीं जानेंगे वो दूसरा, जिसके लिए बाबा कहते हैं, बताते हैं, महारथी, घोड़े सवार, प्यादे, तीन ज्यादे तो होते हैं ना, लड़ाई में भी तो होते हैं ना, घोड़ों की सवारियों की भी पलटन होती है, युद्ध में जाते हैं तो घोड़े पर सवार होने वालों की पलटन अलग, प्यादों की भी पलटन होती है। प्यादे माने पैदल लड़ाई करने वाले, और उन प्यादों में फिर वो होते हैं जो बोझा उठाते हैं। क्या? लड़ाई में जाएंगे तो खाएंगे पिएंगे कि नहीं? कहीं तंबू डाल के रहेंगे या नहीं? तो तंबू उठाते हैं, खाना वाने का सामान ढोते हैं, कोई बंदूक उठाते हैं तो कोई बोझा उठाते हैं। तो ये भी ऐसे ही है, तुम भी पलटन हो। क्या? रूहानी सेना हो कि जिस्मानी सेना हो? तुम भी रूहानी सेना हो, और तुम तो सब कुछ हो। क्या? सर्जन भी हो, वाशरमैन के बच्चे धोबी भी हो, सब कुछ हो, तुम सिपाही भी हो, जो चाहे तो तुम सब कुछ हो। पीछे ये सब कुछ समझने होने की बात तुम्हारी सतयुग में सभी कामनाएं पूरी हो जाती है, वहां किसको भी कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। हाँ, यहां इस समय जो पुरुषार्थ करेगा तो राजा बनेगा या बड़ा साहूकार बनेगा, समझ भी जाते हो बरोबर। देवताओं की किंगडम स्थापन हो रही है, मनुष्य देवता यहां बनेंगे,
सत्युग में तो कोई नहीं बनेंगे ना, वहां कोई दूसरे पतित मनुष्य होंगे ही नहीं जो बने। 34-64 की वाणी का 9वां पेज। तो जरूर ये ना लीजिए, यहां मनुष्य फ्यूचर फॉर 21 जनरेशन के लिए है, यहां के लिए कुछ नहीं कहेंगे। कहां के लिए ये ना लीजिए, ये राजयोग कहां के लिए है, कहां प्राप्ति कराएगा, इस जन्म में प्राप्ति कराएगा या भविष्य के जन्मों के लिए है? कहेंगे भविष्य के लिए। यहां का तो तुम्हारा हिसाब किताब चुकतु होता है 63 जन्मों का। क्या कोई कहते हैं ना, अरे हम तो इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, हमारी तो बाबा ने बीमारी भी नहीं ठीक की। बाबा कहते हैं यहां तो तुमको 63 जन्मों का हिसाब किताब भोगना पड़ेगा। जो मैं पढ़ाई पढ़ाता हूं वो जिस्मानी पढ़ाई पढ़ाता हूं, जिस्मानी सर्जन हूं या भविष्य की जन्मों के लिए आत्मा का सर्जन हूं? मैं तो आत्मा की पढ़ाई पढ़ाता हूं, आत्मा का कनेक्शन 84 जन्मों से है, खास करके ईश्वरीय पढ़ाई का कनेक्शन 21 जन्मों के लिए। 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब बन जाता है, परंतु ये राजयोग की पढ़ाई, ज्ञान की पढ़ाई इस जन्म में फल देने वाली नहीं है। तो देखो यहां का तो तुम्हारा हिसाब किताब जरूर चुकतु होना है 63 जन्मों का, और तुम्हारी ये बीमारी खुल पड़ेगी, जैसे वैद्य लोग कहते हैं और होता भी ऐसे ही बरोबर है। कोई तो डर जाते हैं, घाटा पड़ जाता है, तो उनको कोई कह दिया कि अरे यहां क्या रखा है, तुम जाकर के फालतू वहां फंसे हुए हो, यहां तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है, हमारे गुरुजी के पास आओ तो गुरुजी बहुत अच्छा वरदान दे देंगे। गुरुजी ने हमको वरदान दिया बच्चा पैदा होगा, तो बच्चा पैदा हो गया, जा छोड़ देते हैं, सेकंड में बच्चे बनते हैं और सेकंड में छोड़ देते हैं। तो बाप कहते हैं सेकंड में बरोबर जीवन मुक्ति, और सेकंड में जीवन बंद वही बना पड़ा है, फिर भी उस जीवन मुक्ति के लिए जो बने तो भी हो सौभाग्य, फिर भी जो छोड़ करके भी चले जावेंगे तो प्रजा में आ जावेंगे, ऊंच पद नहीं पावेंगे। ऐसे नहीं है कि इस ज्ञान का विनाश हो जाएगा, हर कोई पढ़ते पढ़ते राजयोग सीखते सीखते गिर पड़ते हैं, अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, तो ये नहीं है कि उनके ज्ञान का विनाश हो जाएगा। चाहे भले फारकती दे देते हैं, चाहे कितना भी कोई जाकर के ट्रेटर बन जाते हैं, ट्रेटर माने है, ट्रेटर माने बाप की ग्लानी करने वाले बन जाते हैं, तो उनको पद बिल्कुल कमती मिलता है, क्योंकि उनको ज्ञान का झटका लग जाता है। बाबा को कहा तो सही ना,
अविनाशी बाबा को मम्मा बाबा कहा तो वो मुफ्त में नहीं जाते हैं, फिर भी कुछ न कुछ आवेंगे। हट्टी तो एक ही है, कुछ न कुछ प्राप्ति कर ही लेंगे, स्वर्ग में तो आ ही जावेंगे। हाँ, वो कम पद पाए लेते हैं क्योंकि वो इस ज्ञान को थोड़ा भी समझ तो गए ना। अभी देखो कितनी बड़ी बादशाही बननी है, ये भी समझते हो कि बरोबर देवी देवताओं की किंगडम यहां बनती है जरूर। बादशाही सारी पूरी बन रही है, बाप आकर के यहां ब्राह्मण धर्म और देवी देवताओं में भी सूर्यवंशी चंद्रवंशी तीनों धर्म स्थापन करते हैं। किसके द्वारा कौन सा धर्म? तीन धर्म, ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी। किसके द्वारा कौन सा धर्म है, कौन कौन सा धर्म स्थापन होता है? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है और सूर्यवंशी चंद्रवंशी। ब्रह्मा तो ज्ञान चंद्रमा है, तो चंद्रमा के द्वारा कौन सा वंश स्थापन होगा? चंद्रवंश स्थापन होता है और सूर्य के द्वारा सूर्यवंश स्थापन होता है। गीता में भी लिखा हुआ है, मैं जब आता हूं तो पहले पहले ये ज्ञान सूर्य को देता हूं। तो तीनों धर्म स्थापन करते हैं क्योंकि फिर दूसरा कोई भी इस 2500 वर्ष में स्थापक आता ही नहीं है। पीछे तो बहुत आते हैं, इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन, और पीछे तो अभी कलयुग में ढेर के ढेर हो जाते हैं मठ पंत वगैरह, क्योंकि झाड़ के छोटे छोटे पत्ते टाल टालियां सभी को तो जन्म लेना है। हाँ, ये कहेंगे कि इस मनुष्य सृष्टि का मुख्य फाउंडेशन नहीं है, तो जरूर जो नए नए आएंगे उनका कुछ न कुछ नामाचार तो जरूर होगा, उनका भी प्रभाव तो निकलेगा ना। तो कुछ न कुछ रीति उनको सुख मिल जाता है। बहुत टाल टालियां हैं, राधा स्वामी आर्य समाजी ये छोटे छोटे बहुत हैं, हजारों नाम हैं। ये सिर्फ अपने जो यहां बैठे हैं उनको ही मालूम है, नहीं तो यहां केरला आदि देखो, भारत कोई कम थोड़े ही है। तुम समझते हो कितने साधु संत होंगे, गुरु गोसाई होंगे, कितने प्रकार की भक्ति होगी, अथाह की अथाह भक्ति है। तुम एक मत समझो कि कोई यहां साईं बाबा या फलाना बाबा, नहीं, एक साईं बाबा निकला तो उसके पीछे 100 साईं बाबा निकलते रहते हैं, तो अथाह है ना। भारत कोई कम थोड़े ही है, जो भी खंड है उन सब खंडों में भारत खंड सबसे बड़ा है। फर्स्ट है और अविनाशी खंड है, और
और ये भारत खंड बाबा की जन्मभूमि है। शिव बाबा कहते हैं देखो अभी मैं कहां बैठा हूं, नहीं तो शिव बाबा की जयंती पर लिंग बैठ करके क्या करेगा। शरीर होगा तब तो कुछ बताएंगे, लिंग कैसे बनाएगा बताएगा। तो देखो ज्ञान का सागर, तुम बच्चों को सारा ज्ञान समझाते, सारी सृष्टि का चक्र सब कुछ समझाए देते हैं। और तुम जैसे कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मास्टर नॉलेजफुल बन जाते हो तो कुछ तो बनना चाहिए ना, अभी कुछ ना कुछ करो, पुरुषार्थ करो। बाकी ऐसे ही बैठे बैठे खाएंगे पिएंगे और सोएंगे तो भला ये थोड़े ही बनेंगे, कुछ ना कुछ किसी न किसी को ज्ञान देते रहो जिससे कि किसका भी कल्याण होता रहे, क्योंकि कल्याण बहुत करना है। वा तो शांति धाम, वा तो मुक्ति धाम मांगते हैं, और मुक्ति तो दुनिया में सब मांगते हैं, तो बस सबको अच्छी तरह से मुक्ति धाम का रास्ता बताओ। जीवन मुक्ति में आना वाला होगा तो तुमको चटक पड़ेगा, माना जीवन मुक्ति माने है ये जीवन भी रहे और दुख दर्दों से मुक्त भी हो करके रहे। ऐसे कितने होंगे जो आकर के तुमको चटक पड़ेंगे, दो शब्द भी सुनेंगे तो उनको पूरा तीर्थ लग जाएगा, कितने होंगे ऐसे भी आवेंगे। कोई भी धर्म वाला होगा तो चटक पड़ेगा है? दूसरे धर्म वाला भी चटक पड़ेगा कैसे, माना दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुआ होगा हाँ, और तुम्हारी बात समझेगा कि भगवान आया हुआ है, इसी जन्म में जीवन मुक्ति का वर्षा मिल सकता है, तो चटक पड़ेगा। बाकी ये तो जानते हो बरोबर, जैसे बाप लिबरेटर है, ये दुखों से लिबरेट करना ये बाप का काम है। 34-64 की वाणी का 10वां पेज, दुख से सब को लिबरेट करते हैं, तो तुम उस लिबरेटर के बच्चे, अभी तुम्हारा भी तो यही धंधा हुआ ना, क्या सबको दुखों से लिबरेट करना और फिर सुख का रास्ता बताना और फिर उनको अपने साथ यात्रु बनाकर ले भी जाना। तो ये धंधा करें, अब जो करेंगे उनको समाचार देना है कि बाबा हमने आपका धंधा खोल दिया है, हमने एक कोठरी ले ली है या हाल ले लिया है। बहुत होते हैं जो मकान बनाना चाहते हैं,
बाबा से पूछते हैं मकान बनाने के लिए, तो बाबा कहते हैं बच्चे भले बनाओ, अगर कोई नहीं लिखते हैं कि बाबा इसमें मैं नीचे में हॉस्पिटल भी यूनिवर्सिटी भी खोलूंगा, तो फिर उनको लिख देते हैं जो चाहिए सो करो, भले जाकर के बनाओ। बाबा कुछ भी बोलते नहीं है, देखते हैं ये अच्छा आदमी है कुछ है, सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि आकर के बस बोल बोल करते रहे, बहुत लिखते हैं बाबा हम मकान बना रहे हैं, बाबा आप आकर के फाउंडेशन लगाओ, हम इसमें लगा देते हैं। तो अभी एक एक बैठ करके बाबा को फाउंडेशन थोड़ा ही लगाना है, तुम्हारे पास पैसा है तो बल बनाओ। फाउंडेशन लगाने के लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव तो है ही, जो अनन्य होते हैं उनको लिखते हैं कि जाओ, मैं फलानी को लिखता हूं जो मुख्य है तुम्हारा ओपनिंग सेरेमनी करने का। शिव बाबा कहां से करेगा, ऐसे तो बाबा को गलियों गलियों में धक्का खिलाए देवेंगे। फाउंडेशन लगाने के लिए बहुत कहते रहते हैं, काहे का फाउंडेशन लगाने के लिए है, स्थूल मकान का फाउंडेशन लगाने के लिए बहुत कहते हैं। अरे बाबा बेहद आश्चर्य रूपी मकान बनाने के लिए आया है, फाउंडेशन लगाने के लिए आया है, या हद का मकान का फाउंडेशन डालने के लिए आया है। तो उनको समझाते हैं बच्चे, उनको कोई झोपड़ी दे दो जिसमें तुम सर्जरी जरूर निकालो, अथवा गीता का क्लास निकालो, मतलब बात सभी एक ही है, सर्विस करो। फिर भी अगर तुमको मदद चाहिए तो मैं मदद भी दे सकता हूं, क्योंकि ये बाप है ना, गायन भी है, हिम्मते मर्दे मददे खुदा, तो जरूर बाप भी मदद देंगे। तो बोलते हैं तुम हाल बनाते हो, कितना खर्चा करते हो, 10,000 रुपया, अच्छा तुम्हारे पास कितना पैसा है, कहते हैं 6,000 रुपया, 5,000 रुपया, अच्छा हम तुमको 5,000 की मदद करते हैं, खोलो, बाबा तो मददगार है ना, बच्चे प्रदर्शनी खोलो, जितना तुमको मदद मिले बाहर से और बाकी मदद चाहिए तो यहां से ले जाओ। फिर भी ये बाप है ना, कोई सन्यासी तो नहीं है कि सभी फैसले करके अपने सन्यासियों को ही पालना करते रहे, नहीं, ये तो बच्चों की पालना होती है, क्योंकि बाप है, मोस्ट बिलीव्ड बाप, इसको कहा जाता है बिलीव्ड बाप, तो बाप मदद भी तो करेंगे ना, यहां कुछ रखने का तो नहीं है, यहां तो बिल्कुल क्लियर हो जाना है। समझो कोई मरता है और उनके पास कुछ रह गया है, 1,000 या 2,000, 50,000 कितना भी रह गया है, और उसमें से अपनी वृत्ति निकाली नहीं है, ट्रस्टी नहीं समझा है, तो वो याद जरूर पड़ेगा,
और याद पड़ेगा तो जन्म जरूर लेना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारे पास आखानी भी है। आजकल तो स्त्रियां ही पति का गुरु बन जाती है, ये कायदा है। तो जब उनको ले जाती है तो लिखा हुआ है साहब छोड़ा, ये भी छोड़ा, वो भी छोड़ा। फिर लाठी उठाई तो बोला ये भी छोड़ो, वरना लाठी में भी तुम्हारा ममत्व बैठ जाएगा। ये दृष्टांत तीव्र वेग से कि कुछ भी अपने पास न रखो, अपना कुछ भी न समझो, अपन को क्लियर आत्मा समझो। हमको बाबा के पास जाना है, बरोबर ये जो कुछ भी है सब बाबा का है, हमारा नहीं। भक्ति मार्ग में सदैव ये कहते रहते हो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। अभी मैं बोलता हूं ये ममत्व छोड़ दो, मैं खुद आया हूं काय के लिए है। गीता में आखिरी शिक्षा क्या है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये बनाने के लिए मैं खुद आया हूं। ऐसे समझो कि ये सब कुछ बाबा का है, ये धन दौलत सब बाबा की है। अगर तुम्हारे पास ये रह जाएगी और उसका ख्याल आया कि हमारा बच्चा है उनको वर्षा मिलेगा तो बस मरे खलास हो जाएंगे विनाश में, कुछ भी तुमको प्राप्ति नहीं होगी। 34-64 की वाणी का 11वां पेज। बाबा को वारिस बनाते हो, तुम्हारा बच्चा तो तुमको रिटर्न में इतना सुख नहीं देगा जितना ये शिव बालक रिटर्न देगा। अभी विचार करो, कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं ना कितने बच्चे हैं, कहेंगे 3 बच्चे हैं। अच्छा थोड़ा विचार करो, 3 ही बच्चे हैं क्या, लुका छुपा कोई और बच्चा तो नहीं है? तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं। और जब उनको कह देते हैं क्या नहीं है, अरे तुम पहले जब तक शिव बालक को वर्षा नहीं देंगे तो शिव बालक तुमको 21 जन्म का रिटर्न कैसे देंगे, तो वो तुमको धन भी रिटर्न नहीं देंगे। धन तो क्या, धूल भी रिटर्न नहीं देंगे। वो तो तुम्हारा सभी पैसा पाप में लगाए देंगे। क्योंकि बाबा ने समझाया कि जो कुछ ये दान पुण्य करते हैं उनसे पाप बनता है, क्योंकि दान करते हैं जो उनको उस परमपिता परमात्मा से बेमुख करते हैं उनको करते हैं। अभी उनको देना है या शिव बालक को देना है? उनको देंगे तो सब विकार में भस्म हो जाएगा, तो वो भी पाप तुम्हारे ऊपर पड़ा। इस समय की बात बाबा कहते हैं, तो जो कुछ भी श्रीमत के बिगर किया पाप करते हैं। देखो इस ज्ञान में कितनी महीनता है, परंतु कोई को कुछ समझाओ तो कोई उल्टा समझ लेंगे। इनको कोशिश करनी चाहिए, कोई तो सुनेंगे अच्छी तरह मानेंगे और कोई तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। बाकी सुनना बहुतों को है, बहुत प्रजा बननी है, कोई को कम नहीं बननी है, क्योंकि उनको
देवी देवता धर्म में जाना है, क्षत्रिय धर्म में जाना है तो ढेर बनने वाले हैं। ये भी बाबा ने समझाया है कि राजा रानी प्रजा कितनी होती है। एक राजा रानी के गांव होते हैं, कितने गांव होते हैं? चलो मानो इंदौर का महाराजा, उनको कितनी प्रजा होगी? प्रजा तो बहुत होती है ना। और वो प्रजा कैसे बनी? ऐसी बनी, भाई को भी प्रजा में ले आना चाहिए, फिर प्रजा में आवे, कौन सा पद पावे, अब सुनाना तो जरूर चाहिए, बुद्धि में जरूर बैठाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। लो मीठी बच्ची सभी है, सिर्फ तुम नहीं सुनती हो। ये रेडियो है, ये भी जाती है, अभी आते ही आप यही पता पड़ेगा, पीछे से अभी बहुत निकलेंगे। बाबा ने बात छेड़ी, ये बनाओ, तुम सर्जन से हो, सर्जन हो तो नाम का हो कि काम का हो? सर्जन हो तो गया घर में, बोर्ड तो जरूर लगाना चाहिए, बोर्ड नहीं है तो नो सर्जन। देखें अभी कितना इनको लिखते हैं कि हमने ऐसे ऐसे किस्म का सर्जन लगाया, ऐसे लगाया, कुछ भी लगावे, कोई भी आवे, नॉलेज तो एक ही प्रकार की देना है। अच्छा मीठी मीठी लकी ज्ञान सितारों प्रति, रूहानी पंडों प्रति, तुम सभी रूहानी पंडे बनते हो ना, पांडव सेना का अर्थ तुम्हारे सिवाय कोई नहीं समझ सकता। क्या है अर्थ पांडव सेना का? पांडव किसके बच्चे? पंडा बाप के बच्चे। पंडों का काम होता है तीर्थ यात्रा पर ले जाना। तीर कहते हैं किनारा, ठिकाना, था माने स्थान, अर्थात ये रूहानी बाप है, रूहानी पंडा है, तुम्हारी बुद्धि को एक ठिकाने लगाए देते हैं। कौन सा ठिकाना है, कहाँ जाना है? है आत्मा का ठिकाना कहाँ है? है परम धाम। तो ये ठिकाना तुम्हारे सिवाय कोई नहीं समझ सकता, नंबर वार अर्थ भी समझ सकते हैं। तो मीठे मीठे सिकिल दे ज्ञान सितारों प्रति, मात पिता का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।